بسم الله الرحمن الرحيم वाँ वाँ बैक होप सो आप सब ठीक होंगे अल्लाह करे आप सब ठीक खुश आबाद हंसते मुस्कराते अपने घरों में रहें अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे हम भी हमें भी दुआ में याद रखे हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का और आपको टाइटल से अंदाजा हो गया होगा कि यस हमारा चैनल उमर यासिर का जहान वनिटाइज हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से, आप सब, से आप सब लोगों की सपोर्ट से हम लोग जो हैं वो एक नई बिगनिंग कर रहे हैं आ, स्टार्ट और ये देखें ये चैनल हुआ था 2021 में स्टार्ट और 1 अगस्त में और अब जो है तकरीबन डेढ़ साल से ऊपर इसमें ये अलहमदल अलहमद के रमज़ान के महीने में ये मोनेटाइज हो गया है अच्छा पिछले रमज़ान में भी ना मुझे बूस्ट मिला था मेरी एक शॉर्ट वायरल हुई थी उससे मुझे वन के सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव हुआ था जो है वो पिछले रमज़ान में और इस रमज़ान में जो है वो अलहमदुल्लामदिल्ला वॉश टाइम भी पूरा हो गया शुक्र अल्लाह का और चैनल जो है वो मोनेटाइज़ हो गया हाँ वो जो पिछले साल शॉर्ट जो वायरल हुई थी ना उसमें मुझे तकरीबन तीन लाख साढ़े तीन लाख व्यूज़ आए थे तो वो लेकिन शॉर्ट जो है उन्होंने डाउन कर दिया क्योंकि उसकी ऑडियो म्यूट हो गई थी वो पीछे से जहाँ सोर्स था उन्होंने खुद ही वो उसको डिलीट कर दिया कुछ ऑडियो को तो उसके बाद वो मेरी जो है वो शॉर्ट उन्होंने डिलीट कर दी यूट्यूब वालों ने तो एक ज़िंदगी में आती है आपको ऊपर ले जाने के लिए और फिर उसका रोल प्ले हो गया और वो आ, इस साल वो अभी ही कुछ दिन पहले मुझे नोटिस आया था कि आपकी वो वाली शॉर्ट जो है हमें डिलीट करनी पड़ेगी यूट्यूब का क्योंकि वो उसकी ऑडियो ख़त्म हो गई है तो वो जो मुझे मिले थे वहाँ से सब्सक्राइबर वो तो रहे हैं ऑब्वियसली लेकिन उसके व्यूज़ मेरे खत्म हो गए तीन लाख साढ़े तीन लाख व्यूज़ मेरे चैनल से कम हो गए लेकिन साथ ही ये अल्लाह तला ने न्यू न्यूज़ मुझे दी है शुक्र अल्लाह का रमज़ान के महीने में वो पिछली भी खुशी रमज़ान में ही मिली थी और ये भी मुझे खुशी रमज़ान में मिली है इससे मुझे ये फीलिंग आ रही है कि अल्लाह करे कि ये बरकत वाला ही सफ़र हो जो शुरू हो रहा है अल्लाह ताला इसको बरकत वाला बनाए अल्लाह ताला दोनों इसको दोनों के लिए भलाई का सबब बनाए इसको सदक़ जारिया बनाए इसको मतलब सिर्फ़ दुनियावी परपज़ के लिए नहीं मैं कहूँगी ये कैसा प्लेटफॉर्म है जिसको यूज़ करके हम अच्छी बातें लोगों को बता सकें और कुछ उससे लोग जो हैं वो कुछ ए, अच्छी चीज़ अगर कोई हदीस को और सिर्फ दुनिया ही के लिए नहीं हो मेरी आख़रत के लिए भी ये जो है वो सबब बन जाए और इस चैनल को आगे अल्लाह ताला करे अल्लाह ताला इसको और मज़ीद कामयाब करे अभी तो स्टार्ट है एक मुझे थोड़ी सी ये मिथ होती है कि आप जैसे ही आपका चैनल मोनिटाज हो जाए चलो जी पैसे आने शुरू हो जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अब जो है वो जिस तरह चैनल मोनिटाइज हो गया है तो उसके बाद एक नया माइलस्टोन होता है एक नया टारगेट होता है आपको अचीव करना होता है कि आपको जिस तरह आप जहाँ पे हम जर्मनी में रहते हैं ना तो सेवेंटी यूरो तक आपका वो जो है ना वो जाए पेमेंट उसके बाद आप, आप एलिजिबल होते हैं आपका चैनल जो है वो उसके पे पेमेंट आने शुरू होती है हर कंट्री में आई थिंक ये वेडी करता है वेडी करता है कि किस कंट्री में क्या आपको करना है तो मुझे सेवेंटी यूरो तक जाना है और वो अभी मेरे ज़ीरो यूरो हैं <laughs> क्यों क्योंकि वो जो है वो इतने व्यूज़ पे मेरा ख्याल है कि थाउजेंड पे भी जाके मुझे पॉइंट वन मिलता है तो समझो कि एक बहुत ही इनिशियल लेवल का जो है वो स्टार्ट है लेकिन अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद है और अल्लाह ताली इसको सिर्फ मुझे दुनिया समेटने का सबब ना बनाए अल्लाह इस चैनल से मुझे अच्छे और ये मैं वो ना हो जाऊँ कि यार व्यूज़ के चक्कर में और वो करके क्या क्या कुछ दो जो है, लोग दिखाने शुरू जाते हैं और फिर वो उसको चैनल को कहाँ से कहाँ लेके जाने के लिए आ, मैं मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला करे कि ऐसा ही हो कि मैं चाहती हूँ कि आ, इस चैनल को मैं अच्छे पर्सपेक्टिव के लिए पॉजिटिव वाइब्स आए लोगों को मोटिवेशन हो पॉजिटिव चीज़ें आए चलें ये एक मोटिवेशन होगी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ऐसी कोई वीडियो चाहिए जिसमें मैं अपना जो हूँ वो जर्नी शेयर कर सकूँ जीरो से थ्री के तक की जर्नी और उसमें मेरी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स थी सब्सक्राइबर अचीव करने के लिए या वॉच टाइम पूरा करने के लिए मैंने क्या क्या कुछ किया अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना तो मुझे जरूर बताएगा मैं उसमें इंशाल्लाह उसको करूंगी लेकिन इस वीडियो में तो क्योंकि जो है वो लेकिन सब बातों की एक बात के इंसान कुछ नहीं कर सकता अगर अल्लाह ताला ना चाहे और हम बस कोशिश कर सकते हैं अब ये जो कह रही हूँ मेरी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स और ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐ, बस हमने कोशिश ही की है ना हमारी तरफ़ से कोशिश ही बाकी अल्लाह ताला अगर चाहेंगे तभी हो सकेगा और अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से होता है तो इंसान बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे यूट्यूब पर मौजूद हैं वो कितने सालों से हैं तो इसमें मेरा कोई वो नहीं है कि मेरा मैं बड़ा अच्छा थी मुझे पता है मेरी वीडियोज़ कोई ख़ास नहीं होती इन शाला इससे ऐसा सीख रही हूँ सीखूँगी इन श्ला और अच्छी एडिटिंग सीखूँगी और अच्छी करूँगी तो इसमें बिल्कुल भी इस तरह से ये मत सुनेगा भाई बड़ी फ़खर से कह रही हूँ कि मेरा क्या जर्नी था मैं जी इधर से उधर तक कैसे पहुँची मेरी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं लेकिन जो है वो जो एक इंसान जिस तरह आप देखें मैं यूट्यूब में हूँ दो सालों से तकरीबन डेढ़ पौने दो सालों से तो जो मैंने क्योंकि मैं रोज़ाना ही कुछ ना कुछ मतलब इस हवाले से देखती रहती थी ये करती रहती हूँ शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या है ये इस रेफरेंस से मैंने कहा है कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ जो मैंने किया और लेकिन होता यही है कि जो इंसान कोशिश कर सकते हैं और कामयाबी अल्लाह तला देता है और अल्लाह ताली ही नहीं कामयाबी दिया अलमदुल्लाहमदिल्ला सुम्हाद्ला और अल्लाह करे अल्लाह तला करे जो भी जो भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वो सब उनके लिए हो जाए अभी रमज़ान का महीना है हम सब के लिए दुआ करते हैं आ, उन सब लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में किसी भी लेवल पे कोशिश कर रहे हैं सिर्फ इस लेवल इधर यूट्यूब नहीं और भी बहुत सारे जहाँ पर भी जिंदगी किसी मोर्च के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को चाह रहे हैं किसी चीज़ के करने के लिए किसी को कोई कैरियर को परस्यू करना चाह रहे हैं किसी भी किस्म का कैरियर तो अल्लाह ताला उनके लिए आसानी करे अल्लाह ताला उनको कामयाबी उनकी मेहनतों को कबूल करे उनको ज़िंदगी में कामयाबी और कामरानी अदा करे आमीन सुम आमीन अच्छा ये वीकेंड रूटीन थी जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर की है कि रमज़ान में हमारा ये वाला वीकेंड कैसा गुजरा था तो जो सैटरडे था उसमें आपने देखा कि हम लोगों ने सैरी की बच्चे उठ के फिर उन्होंने नाश्ता वाश्ता किया और मैंने सेटरडे को सारी सफाइयाँ वगैरह करनी थी और क्योंकि मुझे पहले हस्बैंड ने कहती था कि आज हम जो है ना वो खाना जो है नक्डोनल भी खा लेंगे तो फिर आप अफ्तारी मत बनाइएगा तो मेरे जहन था कि चलो ऐसा जब दिन आता ना तो फिर मैं होती हूँ कि चलो अब मैं घर को देख सकती हूँ क्योंकि खा ए, मुझे लगता है किचन एक पूरा घर होता है और एक पूरा घर बाकी घर होता है <laughs> दो घर होते हैं एक घर के अंदर ये मेरा मानना है कि किचन पूरा सेल्फ आप पूरा दिन आपसे मांगता है और बाकी घर जो है ना वो एक अलग सी दुनिया होती है तो किचन नहीं था तो मैंने कहा किचन है बाकी घर को जो है ना वो किया जाए आ, उसको अहमियत दीजिए उसके काम किए जाएँ तो मे मैं, मैंने सारी सफाइयाँ वगैरह और जो भी चीज़ें थी पेंडिंग थी कपड़े समेटने वाले धुले हुए थे उनको समेटा सब चीज़ें की और फिर हम लोग ये जो है वो रफ्तारी हमने कर ली थी घर में उसके बाद हमने उन मग़रब की नमाज़ पढ़ के फिर हम लोग निकले थे और हमने मैकडोनल्ड जाके जो है अलमदुल्ला वहाँ पर खाना खा लिया था जो भी आप लोगों ने देखा और अब ये नेक्स्ट डे है उसकी मैं अफ्तारी रेडी करी हूँ और यहाँ पर मैंने आपको रेसिपी दे दी है जो मेरा दूध बनाने का तरीका है एक्चुअली मेरा नहीं है ये मेरे इन लॉज में सऊदिया में जो है वो वहाँ पर हम लोग बनाया करते थे वहीं से मैंने सीखा ऐसा मुझे नहीं पसंद था लेकिन इस तरीके से जब मैंने पिया ना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा फिर तो मलंगा और ये जो नट्स वगैरह के साथ जो मुंह में आते हैं और वो जो टेस्ट आता है ना आपको वो बहुत अच्छा लगता है और बल्कि ये एक अगर आप पी लें एक गिलास तो आप आधा खाना तो आपका वही हो जाता है तो साथ मैंने जो है वो बना ली थी बिरयानी गोश्त की क्योंकि वीकेंड है वीकेंड को थोड़ा सा स्पेशल किया जाए तो साथ जो है वो दूध रोजा था और साथ फ्रूट चाट था इतना भी ज़्यादा स्पेशल नहीं था सिंपल सी अवतारी है तो होप्स ओके आपको अच्छी लगी होगी और आपको ये मेरी वीडियो भी अच्छी लगी होगी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी है और उसके बाद जो हमारे काम होते हैं किचन को क्लीन करना तो वही जो हर कोई करता है लाइफ है और हमारी यही अच्छा मैं मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब अच्छी वीडियोस बनाओ ये बनाओ बाहर जाओ तो ये रिव्यू दो वो दो लेकिन जब आप घर में हो और जब आप जो काम करें मुझे लगता है कि वही दिखाऊं मैं बाहर इतना ज़्यादा कैसे दिखा सकती हूँ जब बाहर जाऊँ तो बाहर का दिखाऊंगी ऑब्वियसली कहीं कुछ करेंगे तो वो दिखाएंगे लेकिन जो मेरे साथ चल रहा है डेली लाइफ में तो वही डेली लाइफ ब्लॉग है तो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट का इजहार कीजिएगा अपनी राय का इजहार कीजिएगा इन मिलेंगे एक और वीडियो के साथ तब तक के अपना ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज़ जीवन